हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम फ्रेंड्स 9 तारीख को होने वाला है, 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसकी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये पार्ट टू है, पार्ट वन मैं लेके आ चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर 2001 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नेहरूजी को, भाई नेहरूजी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्या है, आनंद मठ किसकी रचना है? तो आपको पता है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट क्या है, 1905 में लंदन के होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में श्याम कृष्ण ने की थी। क्या नाम है इनका? श्याम कृष्ण। नेक्स्ट क्या है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? तो होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की है, श्रीमती एनी बेसेंट ने की है। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं छठा में क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई 2 सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सा शहर है? तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। नेक्स्ट है, मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी होती है। उनकी पत्तियां जो मरुस्थल जो डेजर्ट में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है छोटी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? मरुस्थल में जो भी पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां छोटी क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि डेजर्ट्स में पानी का मात्रा बहुत कम होता है, तो क्या अगर बड़ा पत्ता रहेगा तो उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस और वेपराइजेशन ज्यादा होगा, या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जिस कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें से वाटर क्या निकल जाएगा। लेकिन अगर पत्तियां छोटी होगी तो कम फोटोसिंथेसिस होगा, कम वेपराइजेशन होगा, जिससे उस पानी को अपना संरक्षित कर पाएगा, रख पाएगा अपने अंदर। कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, Ag फॉर सिल्वर एंड Br फॉर ब्रोमाइड, ठीक है। अब बात करते हैं, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, अस्थि का मुख्य खनिज तत्व क्या है? तो ये है कैल्शियम, अस्थि का मुख्य खनिज तत्व है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन थे जो कि आपके बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।